तो गाइज वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एम हाई। कैसे हो आप सभी? आज हम हरियाणा के सभी जिलों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हरियाणा ज्ञान, हरियाणा के स्टार्टिंग बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। फॉर्मेशन गठन, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और यह पंजाब से अलग करके बनाया गया था राज्य। जो राजधानी हरियाणा के वह चंडीगढ़ है। एरिया क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वेयर है और ये क्षेत्रफल के अनुसार 21वें नंबर का राज्य है। लैटिट्यूड अक्षांश है वह 27° 39' नॉर्थ टू 30° 35' नॉर्थ है। 27° 39' उत्तर से 30° 35' उत्तर। और लोंगिट्यूड देशांतर जो है वह 74° 28' से 77° 36' ईस्ट है। एरिया अंडर फॉरेस्ट वन क्षेत्र जो हरियाणा का वह 1584 किलोमीटर स्क्वेयर है। मुख्य नदी यमुना है। अन्य नदियां हैं जो है घग्गर, सरस्वती, साहिबी, टांगरी, इंदौरी, धवन, कृष्णावती। माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला शिवालिक है नॉर्थ ईस्ट में और अरावली है दक्षिण में। ऑफिशियल लैंग्वेज है हरियाणा की वह हिंदी और पंजाबी है। पंजाबी को 2010 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था राजकीय भाषा का। और जो तमिल है वो 1969 में उसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा। जो टोटल पॉपुलेशन हरियाणा की जनसंख्या है वह 2,53,51,462 और जनसंख्या के हिसाब से 18वें नंबर का राज्य है हरियाणा। पुरुष जनसंख्या है 1,34,94,743 व महिला जनसंख्या है 1,18,56,728। जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 1,65,09,359 है और ये 65.12% है। अर्बन और शहरी जनसंख्या जो है वह 88,42,103 है और ये कुल जनसंख्या का 34.88% है। जो वृद्धि दर है जनसंख्या का वह 19.90% है। घनत्व है वह 573 है, 573 व्यक्ति पर स्क्वेयर किलोमीटर और ये घनत्व के अकॉर्डिंग हरियाणा 11वें नंबर पर आता है। जो लिंगानुपात है वह 879 था 2010-11 की जनगणना के 2010-11 की जनगणना के अनुसार और हरियाणा 29वें नंबर का राज्य था। जबकि 31 दिसंबर 2018 को जो सरकार ने आंकड़े जारी किए उसके अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है वह 924 है। साक्षरता दर है वह 75.55% है। पुरुष साक्षरता दर 84.06% व फीमेल लिटरेसी रेट जो महिला साक्षरता दर है वह 65.94%। एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा, 22 जिले हैं हरियाणा में। डिवीज़न मंडल 6 हैं, सब डिवीज़न 72 हैं। तहसील 93 हैं, सब तहसील 75 हैं। ब्लॉक 140 हैं, नगर 154 हैं। गांव 6841 है, आबाद गांव 6212 हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट ओनली जो केवल पुलिस जिले वह 2 हैं, हांसी, हिसार जिले का हांसी व गुड़गांव जिले का मानेसर। स्टेट सिंबल राजकीय चिन्ह हरियाणा के जो राजकीय वृक्ष है वह पीपल है। राजकीय फूल लोटस है, कमल जिसको बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है न्यूलम्बो न्यूसिफेरा। पशु है वह ब्लैक बक है काला हिरन और पक्षी है ब्लैक फ्रैंकलिन काला तीतर। जो राजकीय पर्व है वह तीज है हरियाणा का, हरियाणा द राइज ऑफ हरियाणा। 1803 में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था हरियाणा में और 1835 तक ये एमपी का हिस्सा था। 1835 से 1858 तक कानपुर रियासत का हिस्सा था हरियाणा और 1857 की क्रांति के बाद पंजाब में इसको मिला दिया गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1886 में पहली ब्रांच हरियाणा में कांग्रेस की स्थापित हुई और वह अम्बाला में लाला लाजपत राय और लाला मुरलीधर के प्रयासों से स्थापित की गई। 1907 आते आते कांग्रेस की शाखा जो वह लगभग हर जिले में हरियाणा के खुल चुकी थी। 1926 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर पीरजादा मोहम्मद ने पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी और इसको दिल्ली में शामिल करने की आवाज़ उठाई थी। आज़ादी के समय 1947 में डॉक्टर गोपीचंद भार्गव पहले सीएम बने पंजाब के, जो कि सिरसा से संबंधित थे। दूसरे जो सीएम थे वे भीमसेन सच्चर थे जो 1949 में बने सीएम पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने सच्चर फॉर्मूला दिया था 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फॉर्मूले के अंतर्गत पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक हिंदी लैंग्वेज एरिया और पंजाबी लैंग्वेज एरिया। हिंदी लैंग्वेज एरिया को तो पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया स्कूलों में, वह पंजाबी लैंग्वेज एरिया में हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन यह फेल हो गया क्योंकि लोगों ने मना कर दिया कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। वह पंजाब वाले पंजाब लैंग्वेज एरिया वाले बोले कि हम हिंदी क्यों पढ़े। यह फॉर्मूला फेल हो गया।
फजल अली कमीशन, यह पहला सीमा आयोग कमीशन था भारत का और यह 29 दिसंबर 1953 को बना। इसका जो मेन मकसद था वह स्टेट्स को अलग करना था, लैंग्वेज बेसिस पर नया स्टेट का गठन करना था। और यह हरियाणा में पहली दफ़ा 1955 में रोहतक में आया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट की और मना कर दिया हरियाणा पंजाब को विभाजन करने से। 1956 में प्रताप सिंह कैरों के काल में हरियाणा अलग करने की मांग शुरू हुई। 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फॉर्मूले के साथ दो भागों में विभाजित किया गया, लेकिन यह भी असफल रहा। पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारानाथ ने 1960 में उठाई। पंजाबी प्रांत की मांग संत फतेह सिंह ने 1965 में उठाई और उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की। हुकुम सिंह कमेटी, इसका गठन 23 सितंबर 1965 को किया गया। हुकुम सिंह जो थे वह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे और हुकुम सिंह की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया गया 13 अप्रैल 1966 को, जिसके तीन मेंबर थे, जेसी शाह, एस एल दत्त व एमएम फिलिप। जेसी शाह जो थे वह इस आयोग के चेयरमैन थे। उनकी सिफारिश पर 18 सितंबर 1966 को बिल लोकसभा में पारित किया गया और 18वीं संशोधन 18th अमेंडमेंट के साथ हरियाणा बना। और यह आर्टिकल 135(3) के अकॉर्डिंग हरियाणा बना और हरियाणा 17वां राज्य बना देश का। वह थर्ड और तीसरा भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था, भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य तीसरा था हरियाणा। हरियाणा के हिस्से पंजाब का 35.88% भाग आया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले थे, जिसमें हरियाणा में जो 7 जिले थे वह हिसार सबसे बड़ा जिला था। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, अंबाला व जींद, जींद सबसे छोटा जिला था। हरियाणा के प्राचीन नाम जो है वर्ड नेम ऋग्वेद, इसको रज हरियाणा में मिला। अथर्ववेद, मनुस्मृति, ब्रह्मावर्त में, महाभारत काल में बौद्धान्य, योद्धा काल में बौद्धान्य, स्कंद गुप्त पुराण में हरियाल, महापुराण जो पुष्प दंत द्वारा रचित है उसमें हरियाणा, हर्षचरित्र में श्रीकंठ, जनपद बुद्ध अवशेषों में अभिरण्य। दोस्तों, जींद जिला 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय ही स्थापित हो गया था। दोस्तों, यह जिला पंजाब के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया था। पंजाब जो जॉइंट पंजाब था उसका संगरूर जिला की तहसील होता था पहले जींद, जिसको अलग करके जिला बनाया गया हरियाणा में। दोस्तों, जो इसका एरिया है वह 2702 किलोमीटर स्क्वेयर है। वह 2702 किलोमीटर स्क्वेयर है। दोस्त, यह हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें 4 सब डिवीज़न उपमंडल हैं, जो हैं जींद, सफीदों, नरवाना और उचाणा। 5 तहसील हैं दोस्तों इसके अंदर, जींद, नरवाना, सफीदों, जुलाना व उचाणा। पुलिस रेंज हिसार के अंतर्गत आता है। निकनेम, उपनाम या जो फेमस नाम है जींद के, वह हैं दोस्तों जयंती देवी नगर, जयंतपुरी, दूध नगरी, हरियाणा का दिल। हरियाणा का दिल इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये हरियाणा के बीच में पड़ता है और इससे 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। दूध नगरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भैंस हैं, इस जिले में सबसे ज़्यादा भैंस हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, सबसे ज़्यादा भैंस हैं जींद में, सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व है दोस्तों, इसमें सबसे कम पक्की सड़कें हैं इस जिले में। 2015 में जींद की जेल कैशलेस जेल हो गई थी, जो हरियाणा में पहली थी। ये 2015 में ही दोस्तों NCR में शामिल कर लिया गया था। इसकी सबसे ज़्यादा 7 जिलों से सीमाएं लगती हैं। मुख्य मंदिर जींद के जो हैं दोस्तों, वह है हटकेश्वर मंदिर हाट गांव में। ये 100 हटकेश्वर मंदिर हाट गांव में यह 168 तीर्थों की शक्तियों से सुसज्जित है। भूतेश्वर मंदिर यह रानी तालाब में है दोस्तों। पांडु पिंडारा, राम राय तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, हंसडर तीर्थ, बरा तीर्थ, धमतान साहिब गुरुद्वारा, ढूंढवा तीर्थ, यह सभी जींद जिले में ही हैं दोस्तों। पांडु पिंडारा में दोस्तों
पांडवों जयंती देवी मंदिर। महाभारत के समय पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था और इसी मंदिर के नाम पर इसका नाम जींद पड़ा। इसी के नाम जयंती देवी मंदिर के नाम पर ही इसका नाम जयंती देवी नगर पड़ा था। अब अगला जिला करते हैं दोस्तों, वह है गुड़गांव। गुड़गांव भी 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा के स्थापना के समय गठित हुआ था। दोस्तों यह पुलिस कमिश्नरी है। इसका एरिया 1258 किलोमीटर स्केयर है। डिवीज़न इसका गुड़गांव ही पड़ता है। सब डिवीज़न इसमें तीन हैं, नॉर्थ गुड़गांव, साउथ गुड़गांव और पटौदी। पांच तहसीलें लगती हैं, गुड़गांव, मानेसर, पटौदी, फरूखनगर व सोहना। जो इसके पुराने नाम या फेमस नाम है दोस्तों, वह है साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स, एंटरटेनमेंट हब। 2008 में गुड़गांव को दोस्तों नगर निगम बना दिया गया था और यह हरियाणा का सबसे पहला मेट्रो मेट्रो सिटी भी था। 2010 में यह मेट्रो ट्रेन चली थी। मानेसर जो इसकी तहसील है वह पुलिस जिला भी है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसका गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम नाम पड़ा। यह भारत में तीसरे नंबर पर कैपिटा इनकम पर आता है। इससे ऊपर जो है वह है चंडीगढ़ व मुंबई। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हरियाणा में गुड़गांव का। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी गुड़गांव का ही है। दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज सरकार ने पटौदी रियासत को छोड़ करके बाकी हर जगह को डीसी के अधीन कर दिया गया था। मतलब कि 1857 में पहला डीसी गुड़गांव में बैठ गया था और जो पहले डीसी थे उनका नाम था कैवेंडिस। पहला तितली संरक्षण पार्क जो है वह भी हरियाणा का यहीं बना है दोस्तों, गुड़गांव में ही है, सेक्टर 52 में। साइबर क्राइम ब्रांच, मस्तिष्क केंद्र, ये सब गुड़गांव में ही है दोस्तों। शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर द्रोणाचार्य की पत्नी का मंदिर है ये। इनको चेचक देवी भी कहा जाता है। इसको 1650 में राजा जोहर सिंह ने बनवाया था। 1951 में मंदिर का बोर्ड बना जिसके 11 मेंबर होते हैं दोस्तों। सीएम इसके बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं और देखरेख इसकी डिप्टी कमिश्नर करते हैं। शीश महल, लाल किले की नकल है दोस्तों। यह फरूखनगर में स्थित है और ये फौजदार खां के द्वारा बनवाया गया। सराय अलवारदी की मस्जिद, यह गुड़गांव में स्थित है। गुरुद्वारा सिंह सभा भी गुड़गांव में स्थित है। गोपालगिरी का किला बलवन ने बनवाया था दोस्तों। सोना किला राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। पटौदी महल जो है ये पटौदी रियासत के नवाबों ने बनवाया था और इसके आर्किटेक्ट जो थे वो हेन्स थे। इसको व्हाइट प्लेस भी बोला जाता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी दोस्तों, सुल्तानपुर गांव में सुल्तानपुर झील भी है और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है। इसको 1989 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। इसको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है और ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों। सुल्तानपुर लेक भी यहीं है। खलीलपुर लेक और दमदमा लेक दोनों ही गुड़गांव में हैं दोस्तों। दमदमा लेक हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3,000 एकड़ में फैली हुई है। सोना, सोना दोस्तों इसका एक प्रमुख नगर है सोना, जो गर्म पानी के कुंडों के लिए फेमस है। सोहन सिंह ने इसको 18वीं सदी में बसवाया था। फरुखनगर नमक दोस्तों, यहाँ नमक बनाया जाता था और दिल्ली दरवाजा भी यही है जिसको दलेल खान ने बनवाया था। हरियाणा के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है यह दक्षिणी पश्चिमी भाग में हरियाणा के स्थापित है महेंद्रगढ़ जिला। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी दोस्तों, जब हरियाणा बना था। हरियाणा बना था, जो 7 जिले थे हरियाणा में उनमें से एक जिला महेंद्रगढ़ था दोस्तों। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है दोस्तों, वह 1899 किलोमीटर पर स्केयर है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह नारनौल है। यह एकमात्र हरियाणा का जिला है जिसका हेडक्वार्टर इसकी तहसील में है। जिला का नाम है महेंद्रगढ़ और इसका हेडक्वार्टर जो है वह नारनौल है।
तहसील जो है दोस्तों, इसमें पांच तहसील हैं महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना, अटेली व नांगल चौधरी। इसके पुराने नाम, उपनाम व प्राचीन नाम, फेमस नाम जो है वह है कानोड, खनिजों का शहर, बावड़ियों का नगर। दोस्तों महेंद्रगढ़ को पटियाला किंग थे, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, उनके पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम 1861 में महेंद्रगढ़ रखा गया। नारनौल का जो उपनाम है दोस्तों बिरबल नगरी है। यह एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा में जिसमें एक भी नेशनल हाईवे नहीं लगता दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है दोस्तों, उसका जो उच्चतम पीक पॉइंट है, जो उच्चतम बिंदु है हरियाणा में, वह है कुलताजपुर। कुलताजपुर जो कि ढोसी हिल्स नाम से भी फेमस है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर है और अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे उच्चतम स्थान है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों। इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं जिले के मुख्य बिंदु। माधोगढ़ का किला, ये माधो सिंह, इसका जो निर्माण है वह सवाई माधो सिंह ने करवाया था, जो सवाई माधोपुर थे वहाँ के राजा। राय मुकुंददास का छत्ता, इसको बिरबल का छत्ता भी बोला जाता है, इसको राय मुकुंददास का छत्ता, बिरबल का छत्ता भी दोस्तों इसको बोला जाता है। इसका निर्माण मुकुंददास ने करवाया था दोस्तों, जो कि अकबर के वजीर थे। शाह विलायती का मकबरा भी नारनौल में ही है, इब्राहिम खान का मकबरा। यह शेरशाह सूरी ने उनके दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था दोस्तों। शाह कुली खान का मकबरा, मिर्जा अली खान की बावड़ी, हजमा पीर दरगाह, पीर मंदिर, शिव मंदिर, ये सब यहीं पर स्थित हैं दोस्तों। पीर मंदिर, शिव मंदिर, इसका निर्माण राजा दिलीप सिंह ने करवाया था बागोत में। बागोत गांव है उसमें इसका निर्माण करवाया गया था। ढोसी तीर्थ दोस्तों, कुलताजपुर जो मैंने बताया था 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है हरियाणा में, इसको ढोसी तीर्थ नाम से भी जाना जाता है और ये ढोसी गांव में है। यह च्यवन ऋषि से संबंधित है दोस्तों, ये च्यवन ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ च्यवनप्राश की खोज च्यवन ऋषि ने की थी। चामुंडा देवी का मंदिर भी यही है। चोर गुंबद को नारनौल का श्राइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये जमाल खान ने बनवाया था। जल महल शाह कुली खान ने 1591 में बनवाया दोस्तों, ये अकबरी कला में बना हुआ है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरु दशमेश, ये सब भी दोस्तों महेंद्रगढ़ में ही है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली व एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में स्थित है। तो दोस्तों ये तो था, आज हमने किया महेंद्रगढ़ जिला। अब हम अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला है जिला सोनीपत। हम जिला सोनीपत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यह जिला 22 दिसंबर 1972 को बना था और यह रोहतक से अलग होकर के बना था दोस्तों। जिला सोनीपत, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह 2122 किलोमीटर स्क्वेयर है। तहसील इसमें चार लगती हैं, सोनीपत, करकोदा, गन्नौर व गोहाना। इसका जो पुराने नाम, फेमस नाम है, वह सोनप्रस्थ, सोने का शहर, एजुकेशन सिटी व साइकिल सिटी। साइकिल सिटी इसका नाम इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ एटलस साइकिल का उद्योग है। नगर निगम 1 जून 2015 को सोनीपत को नगर निगम घोषित कर दिया गया था दोस्तों और यह 10वां नगर निगम बना था। और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, जो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता वह लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, वह भी सोनीपत से ही आते हैं दोस्तों, सोनीपत से ही संबंधित हैं। मामू भांडजू दरगाह भी सोनीपत में ही है। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा, जो कि इब्राहिम लोदी ने बनवाया था दोस्तों, यह भी इब्राहिम लोदी ने बनवाया था दोस्तों। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा, यह भी सोनीपत में ही है। पीर जमाल की मजार गोहाना में है दोस्तों। फिंगर खां का किला, अकबरी दरवाजा, यह सब सोनीपत में ही है। नेशनल फूड खान
खाद्य प्रौद्योगिक एवं प्रबंधन संस्था दोस्तों कुंडली में है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो कि दीन बंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। यह 1987 में पहला गवर्नमेंट कॉलेज बना था, हरियाणा का पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और यह डी क्रस्ट सोनीपत के डी क्रस्ट दीन बंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों ये 1987 में स्थापित हुई थी और ये हरियाणा का पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। बीपीएस वुमेन यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये 18 अगस्त 2006 को गुरुकुल से यूनिवर्सिटी बनी थी। यह उत्तर भारत की पहली वीमेन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, ये 1973 में राई में बना था दोस्तों। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली में 2005 में स्थापित की गई। और हसनपुर दोस्तों, हसनपुर एडवांस्ड आंगनवाड़ी सेंटर है, सबसे एडवांस्ड आंगनवाड़ी सेंटर है सोनीपत का। इसका जो नाम रखा गया वह नंदगढ़ है और यह हसनपुर गांव में स्थित है दोस्तों। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी दोस्तों। भिवानी जिले की स्थापना हरियाणा जिले से अलग कर करके की गई थी। भिवानी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 3432 किलोमीटर स्क्वेयर है दोस्तों। चरखी दादरी बनने से पहले 2016 तक भिवानी हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन अब सिरसा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। इसका डिवीज़न जो है वह रोहतक डिवीज़न के अंदर आता है, ये मंडल रोहतक है भिवानी का। 5 तहसील लगती हैं भिवानी में, भिवानी लोहारू तो श्याम शिवानी और भवानी खेड़ा, जो इसके पुराने पांच तहसील लगती हैं दोस्तों भिवानी के अंदर, जो है भिवानी लोहारू तो श्याम शिवानी व भवानी खेड़ा, जो इसके पुराने व फेमस प्राचीन नाम है वह वस्त्र नगरी, हरियाणा की काशी, मंदिरों की नगरी, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग पावर हाउस, सिटी ऑफ वार हीरोज और भानीग्राम दोस्तों। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। भिवानी में कांग्रेस के स्थापना 1919 में हुई थी, पंडित नेकीराम जी के प्रयासों से ये स्थापना हो पाई थी कांग्रेस की। नौरंगाबाद दोस्तों, नौरंगाबाद भिवानी जिले का गांव है जिसमें यौधेय गणराज्य की मोहरें मिली हैं। वह मिताथल भी ऐतिहासिक स्थान रखता है दोस्तों, इसमें कुषाण कालीन मुद्रा व समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं मिताथल गांव में। चिंकारा प्रजनन केंद्र है दोस्तों वह केरू में है। मिनी जू, बया पर्यटन स्थल, यह सब भिवानी में है दोस्तों। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये 2010 में बनी थी दोस्तों। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ये हरियाणा के सीएम रहे चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर हैं, जो भिवानी जिले से ही संबंधित थे। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड दोस्तों ये 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था, लेकिन 30 नवंबर 1981, 30 नवंबर 1981 को ये भिवानी ट्रांसफ़र हो गया। हरियाणा ओपन बोर्ड दोस्तों, हरियाणा ओपन बोर्ड भी भिवानी में ही है, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी दोस्तों। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना दोस्तों 1937 में हुई थी और इस टेक्सटाइल मिल से कपड़े निर्यात अरब देशों में भी यहाँ के कपड़े निर्यात किए जाते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट टू अरब कंट्रीज। भिवानी बॉक्सिंग क्लब दोस्तों, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कैप्टन हवा सिंह ने की थी। यह 2 बार के एशियन चैंपियन व 11 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग में। तो शाम की बारादरी को पृथ्वीराज की कचहरी भी बोला जाता है दोस्तों, और यह तो शाम में बनवाई गई है, जहां एक स्थान पर बैठकर आप इसके 12 के 12 दरवाजों पर नजर रख सकते हैं। रणनाथ गांव भिवानी जिले में दोस्तों, इसको शहीदों का गांव भी बोला जाता है। 1857 की क्रांति में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने इस गांव के ऊपर तोपें चला दी थी दोस्तों, और तोपों से बचने के लिए
बच्चे व महिलाएं इस गांव के कुएं में कूद गए थे और यहाँ ढेरों लोग शहीद हुए थे। गौरी शंकर का मंदिर, इसका निर्माण सेठ किरोड़ीमल ने करवाया। देवसर मंदिर शीतला माता का मंदिर है दोस्तों, ये देवसर गांव में स्थित है जो कि भिवानी तहसील में ही है, भिवानी में ही है दोस्तों। ये था भिवानी जिला। अब हम चलते हैं जिला अंबाला। अंबाला के बारे में हम पढ़ेंगे तो दोस्तों, अंबाला जिला की स्थापना हरियाणा की स्थापना के समय ही हो गई थी, 1 नवंबर 1966 को। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह 1574 किलोमीटर स्क्वेयर है दोस्तों। डिवीज़न अंबाला ही पड़ता है। इसमें तहसील चार हैं, अंबाला, बरोदा, अंबाला कैंटवन, नारायणगढ़। इसके जो उपनाम है, पुराने नाम है या फेमस नाम है, वह है साइंटिस्ट सिटी, मैक्सी सिटी, वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी। साइंटिस्ट सिटी तो इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ लगभग 80% तक साइंटिफिक टूल्स बनते हैं देश के, इस वजह से। और इसकी मुख्य जो नदियाँ हैं दोस्तों, वह घग्गर, मारकंडा और टांगरी हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो कि भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनका जन्म 1908 में अंबाला जिले में ही हुआ था और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। 1843 में दोस्तों यहाँ अंबाला कैंट की स्थापना की गई थी। 1843 से पहले अंबाला कैंट करनाल में थी दोस्तों। सबसे पहले हरियाणा में 1857 की क्रांति का विद्रोह दोस्तों अंबाला से ही शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। 1880 में दोस्तों अंबाला रेलवे लाइन से कनेक्ट हो गया था, जोड़ दिया गया था, यहाँ रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। 1886 में पहली हरियाणा की पहली ब्रांच अंबाला में खोली गई थी दोस्तों, लाला मुरलीधर व लाला लाजपत राय के प्रयासों से। सबसे अधिक पक्की सड़कें अंबाला में ही है दोस्तों। अंबिका देवी मंदिर, जिसके नाम पर इसका नाम अंबाला पड़ा, वो पांडवों ने बनवाया था दोस्तों। माँ दुख भजनी मंदिर भी यही है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब, गुरुद्वारा लखनौर साहिब 10वें सिख गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी माता जी का जन्म स्थान है दोस्तों। गुरुद्वारा गोविंदपुर साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब, नंदा साहिब गुरुद्वारा और सूरज कुंड गुरुद्वारा दोस्तों, ये सभी गुरुद्वारे अंबाला में ही स्थित हैं। नौगजा पीर की दरगाह दोस्तों, नौगजा पीर की दरगाह भी अंबाला में ही है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 9 गज लंबे चौड़े पीर थे। नाका बाबा पीर की दरगाह दोस्तों, ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अंदर स्थित है। कहा जाता है कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी की थी, वह एयरफोर्स स्टेशन पर नहीं फटी थी, वह इन नागा बाबा पीर की मेहरबानी की वजह से ही नहीं फटी थी दोस्तों। फरवरी माह के हर दूसरे रविवार संडे को यह मेला लगता है दोस्तों। सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च दोस्तों 1857 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि 1971 में 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी बमबारी से ये तहस नहस हो गया था। किंगफिशर टूरिज्म भी दोस्तों अंबाला में ही है। एमएमयू महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी दोस्तों 2007 में यूनिवर्सिटी बनी थी। यह हरियाणा की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्वपोषित यूनिवर्सिटी। यह मुलाना के अंदर फरीदाबाद। तो दोस्तों जिला सिरसा के बारे में शुरू करते हैं। इसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, ये हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ हरियाणा। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1975 को हुई थी, हिसार से अलग कर करके। एरिया क्षेत्रफल जो है वह 4277 किलोमीटर स्क्वेयर है दोस्तों। यह हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। डिवीजन मंडल जो इसका डिवीजन है वह हिसार डिवीजन है दोस्तों। तहसील इसमें चार हैं, सिरसा, डब्वाली, एलनाबाद, रानिया। पुलिस रेंज जो है दोस्तों वह हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है सिरसा जिला। जो फेमस नाम उपनाम है वह सिरसुती, सिरसिका, सारस नगरी, वन नगरी, संतों की नगरी, सरस्वती नगर। सिरसिका नगर जो है दोस्तों वह पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, जो किताब है पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, उसमें सिरसिका नगर नाम से इसका वर्णन है। मैदानी भाग जो सिरसा के मैदानी भागों के निचला हिस्सा है दोस्तों, उसको अनकई दलदल कहा जाता है। इस सिरसा में जो जो मंदिर हैं दोस्तों, जो फेमस मंदिर वह हैं दादी सती मंदिर, बालाजी बगीची धाम, डेरा सच्चा सौदा जो 1948 में संत शाह मस्ताना ने इसकी स्थापना की थी, डेरा बाबा भूषण शाह, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, बाबा तारा जी की कुटिया,
बाबा तारा जी की कुटिया को दोस्तों गोपाल कांडा व गोविंद कांडा नामक दो भाइयों ने बनवाया था। राजा सारस का किला, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, साहा फूड पार्क, रानिया का किला। रानिया का किला दोस्तों 7वीं सदी में हनुमानगढ़ के शासक भैरव सिंह ने करवाया था। रानिया का विद्रोह 1818 में नेतृत्व जावेद खान ने किया था। इस विद्रोह का काला तित्र पर्यटन स्थल, शिकारा आसूखेड़ा पर्यटन स्थल, अबू बशर वन्यजीव अभयारण्य, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, दोस्तों चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की आधारशिला 5 अप्रैल 2003 को रखी गई थी। ये था दोस्तों सिरसा जिला। सिरसा जिला के बारे में आपने पढ़ा। अब दोस्तों देखते हैं जिला फरीदाबाद के बारे में। तो जिला फरीदाबाद की जो लोकेशन है, स्थिति है, वह दक्षिण पूर्वी भाग में है हरियाणा के। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2 अगस्त 1979 को हुई थी दोस्तों। यह गुरुग्राम से अलग होकर के नया जिला स्थापित हुआ था। इसका एरिया जो क्षेत्रफल है वह 741 किलोमीटर स्क्वेयर है दोस्तों। यह एरिया के अनुसार सबसे छोटा जिला है और इसमें गांव पंचायत की संख्या भी सबसे कम है दोस्तों। डिवीजन मंडल जो फरीदाबाद में ही आता है, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है दोस्तों। तहसील जो है, इसकी 3 तहसील हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बड़खल। फेमस नाम उपनाम है फरीद नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्रीम सिटी, औद्योगिक नगरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। यह हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम है जो 1993-94 में बना था, और पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम भी है दोस्तों। इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। इसकी जो जनसंख्या है वह 20 लाख से अधिक है, और ये हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। इसमें सबसे ज्यादा उद्योग पाए जाते हैं। तिगांव जो फरीदाबाद में स्थित है, इसको अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। 1607 में शेख फरीद ने बसाया था दोस्तों फरीदाबाद को। पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना दोस्तों, हरियाणा में दो ही पर्यावरण न्यायालय हैं, एक फरीदाबाद व एक हिसार में स्थित है। जाट गोकुला के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह हुआ था दोस्तों फरीदाबाद से ही। बड़खल लेक 1947 में इरिगेशन के लिए ये बड़खल लेक बनाई गई थी, सिंचाई के लिए 1947 में इसका निर्माण हुआ था। नारसिंह स्टेडियम जिसको म्यूर स्टेडियम भी कहा जाता है, ये बल्लभगढ़ में स्थित है। धोज झील भी फरीदाबाद में ही है। अरावली गोल्फ कोर्ट भी फरीदाबाद में ही है। ख्वाजा की सराय भी फरीदाबाद में ही है। सूरज कुंड को दोस्तों तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था, और इसमें फरवरी महीने में हर साल सूरज कुंड का मेला भी लगता है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है। नारसिंह का किला राजा बल्लू ने 1739 में निर्माण शुरू करवाया, जो 1850 तक चलता रहा। नारसिंह अंतिम शासक थे दोस्तों यहाँ के, और जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जो 1857 में शहीद हुए। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों, यह पहले कॉलेज था। इसका 1969 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के नाम से रख दिया गया, जो कि रेडियो साइंस के जनक माने जाते हैं। रेडियो हैं जिला पलवल से दोस्तों। पलवल जिला की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी, और यह हरियाणा का 21वां जिला बना था। इसको फरीदाबाद व गुड़गांव के कुछ एरिया काट करके बनाया गया था, एरिया से निकाल करके बनाया गया था। इसका जो एरिया क्षेत्रफल है दोस्तों वह 1359 स्क्वेयर किलोमीटर है। डिवीजन मंडल जो है इसका फरीदाबाद है। तहसील इसमें 3 है, पलवल, हथीन व होडल। फेमस नेम उपनाम जो हैं पलवल के वह है कॉटन सिटी, उबाला, अब्बाला। इसके जो कुछ फेमस मंदिर हैं दोस्तों पलवल जिले में वो है पंचवटी मंदिर, जिस मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास में विश्राम किया था। दाऊजी बलराम मंदिर दोस्तों यह बंचारी पलवल में है, यह श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम की याद में बनाया गया। सती का स्थान जाट सम्राट महाराजा सूरजमल ने करवाया था दोस्तों सती के स्थान का निर्माण। द्रौपदी घाट भी पलवल में है। बाराखंबा छतरी होडल 1754 से 64 के बीच में निर्माण चौधरी काशीराम सरोता ने करवाया था, जो कि जाट प्लूटो महाराजा सूरजमल जाट सम्राट महाराजा सूरजमल के ससुर थे दोस्तों। डबचिक झील होटल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी पलवल में बनेगा। महात्मा गांधी अरेस्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन 10 अप्रैल 1919 एट पलवल रेलवे स्टेशन दोस्तों। महात्मा गांधी भारत में पहली बार गिरफ्तार हुए थे पलवल रेलवे स्टेशन पे ही, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर जाते हुए। तो दोस्तों ये था जिला पलवल। अब
जिला चरखी दादरी पर चलते हैं दोस्तों। चरखी दादरी की स्थापना दोस्तों इसकी 18 सितंबर 2016 को घोषणा रैली में कर दी गई थी, विकास रैली थी चरखी दादरी में। वहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा कर दी थी। वह 18 अक्टूबर को एक कैबिनेट में पास हो गया था। तो दोस्तों इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2016 को ही। जो क्षेत्रफल है, एरिया है चरखी दादरी का, वह 1370 किलोमीटर स्क्वेयर। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे पुत्र बिल्वराज चौहान ने बसाया था दोस्तों दादरी को। यहाँ एक बड़ी झील होती थी जिसमें दादुर की मात्रा बहुत अत्यधिक थी। संख्या दादुर संस्कृत भाषा में मेंढक को बोला जाता है। उसी के नाम पर दादुर के नाम पर ही इसका नाम दादरी पड़ा दोस्तों। सीमेंट उद्योग 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के सहयोग से यहाँ सीमेंट उद्योग की स्थापना की, जिसका अधिग्रहण सीमेंट कॉरपोरेशन सीसीआई ऑफ इंडिया सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1981 में कर लिया दोस्तों। सीमेंट उद्योग के कारण ही इसको डालमिया दादरी भी बोला जाने लगा था। श्याम सर सरोवर सेठ सीताराम ने 400 साल पहले निर्माण करवाया दोस्तों। ये बादशाह शाहजहां के मुनीम थे। सीताराम बाजार जो दिल्ली में स्थित है, वह भी इन्हीं के नाम पर है दोस्तों। स्वामी सर तालाब भी यहीं है। पीर मुबारक शाह की दरगाह भी यहीं है। पीर मुबारक शाह की दरगाह दोस्तों कल्याणा गांव में है, जो कि चरखी दादरी में पड़ता है। और यहाँ भारत में प्रसिद्ध हिलना पत्थर भी कल्याणा गांव में ही पाए जाते हैं दोस्तों। डरंगो टूरिस्ट प्लेस भी दादरी में ही है। रंगीला हनुमान मंदिर भी दादरी में ही है। इमलोटा मंदिर और वह कपूर की पहाड़ियाँ भी दोस्तों दादरी में ही हैं। चलिए फतेहाबाद के बारे में पढ़ते हैं। फतेहाबाद की जो स्थिति है वह दोस्तों हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। फॉर्मेशन गठन, इसका गठन 2 अगस्त 1979 को हुआ था। यह हिसार जिले से अलग करके बना गया था दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है वह 2538 किलोमीटर स्क्वेयर है। डिवीजन है वह हिसार मंडल में आता है। यह पुलिस रेंज भी हिसार है दोस्तों। फतेहाबाद की तहसील इसमें तीन लगती हैं, फतेहाबाद टोहाना व रतिया। फेमस वह उपनाम है पिंक सिटी। इसको हरियाणा का गुलाबी नगर भी कहा जाता है। चिली सिटी व इकदार। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों कुछ। यह शहर फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। 13वीं शताब्दी में बसाया गया था दोस्तों। 1357 में इसकी नींव पड़ी थी। सबसे प्राचीन हवेली दोस्तों, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली जिसको पुरानी हवेली के नाम से भी जाना जाता है, वह फिरोज शाह का महल है और वह फतेहाबाद में स्थित है। टोहाना नहरों का नगर है दोस्तों। इसको नहरों का नगर, पांच नहर होने के कारण बोला जाता है। फतेहाबाद में सबसे कम वन क्षेत्र है दोस्तों। 1953 में पहली कॉटन मिल भी फतेहाबाद में ही लगी थी। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, फतेहाबाद में गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट 2014 में इसकी ये बनना शुरू हुआ था और 2025 तक इसका पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है दोस्तों, वह 2800 मेगावाट है और पहले फेज में इसकी 1400 मेगावाट की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। इसमें 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट 700 मेगावाट की है। पपिया पर्यटन स्थल भी यही है दोस्तों। अब इसके कुछ प्राचीन पुरातत्व महत्व वाले स्थलों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कुनाल, कुनाल गांव ये फतेहाबाद में ही है। यहाँ तांबे की अंगूठी, चपटी, कुल्हाड़ी व मछली पकड़ने का कांटा मिला है दोस्तों। ये प्राचीन सभ्यता के प्राण है। बनावली मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं सरस्वती की खुदाई के दौरान। बाबा टहलदास की मस्जिद मुगल शासक हुमायूं ने बनवाई थी दोस्तों। भीमशाह मजार सूफी संत मीर शाह की है। यहाँ हुमायूं का अभिलेख भी बरामद हुआ है। श्री कृष्ण मंदिर, चिल्लीवाला श्री कृष्ण मंदिर भी बोला जाता है दोस्तों। यह फतेहाबाद के बीच बाजार बीच में स्थित है। अब मेवात व नू जिले पर आते हैं दोस्तों। मेवात नू लोकेशन, इसकी जो स्थिति है हरियाणा के दक्षिणी भाग में साउथर्न पार्ट में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी दोस्तों, जबकि इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कर दी थी। एरिया क्षेत्रफल जो इसका 1507 किलोमीटर स्क्वेयर है दोस्तों। इसका डिवीजन मंडल है वह फरीदाबाद है। पुलिस रेंज जो साउथ पुलिस रेंज है, जिसको रेवाड़ी पुलिस रेंज भी बोला जाता है दोस्तों। तहसील इसमें चार हैं, नू, तावड़ू, पुनहाना व फिरोजपुर जिरखा। फेमस नाम व उपनाम है दोस्तों मेवों की नगरी। अत्यधिक मेव होने के कारण इसका नाम मेवों की नगरी के नाम से प्रचलित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। घोषणा के समय इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था, जब इसकी जिले की नए जिला बनाने की घोषणा की थी दोस्तों।
तो इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था। गठन के समय कांग्रेस सरकार ने इसका नाम मेवात रख दिया। वह 12 अप्रैल 2016 से जिले का नाम नू कर दिया गया। दोस्तों भाजपा सरकार ने इसका नाम नू कर दिया गया। पहले इसका भी जो जिला था, जिले का नाम मेवात था, वह इसका हेडक्वार्टर नू में था, लेकिन अब इस जिले का नाम नू ही है। दोस्तों मेवात डेवलपमेंट बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड की जो स्थापना 1980 में हुई थी दोस्तों, इसके पहले इसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होते थे, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वह इस डेवलपमेंट बोर्ड के, विकास बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, जबकि अब अध्यक्ष गवर्नर होते हैं, वह चीफ मिनिस्टर इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों। हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट हरियाणा का यहीं आया था दोस्तों। इंडियाज फर्स्ट कंट्री क्लब भी मेवात में ही है, नू में ही है। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स तावडू के पाड़ा गांव में दोस्तों। दूरदर्शन का रिले स्टेशन फिरोजपुर झिरका में। लचीले खिलौने बनाने का उत्पादन केंद्र मेवात में दोस्तों। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नू के नलहार गांव में दोस्तों। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। शेख मूसा की मज़ार पल्ला गाँव में दोस्तों। बादशाह अकबर ने यह मज़ार बनवाई थी, जो और जो शेख मुखा थे वो ईरान से संबंधित थे। तावडू का किला ये राजा ताड़ सिंह के नाम पर है दोस्तों। झीर का किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चूही महल तालाब, यह सेठ चूही महल के पुत्र हुकुमचंद ने बनवाया था दोस्तों। यह 10 एकड़ में है। कोटला झील, इसका उल्लेख बाबरनामा में भी है दोस्तों। यह बहुत ही पुरानी झील है। संगेल झील, जिसको उजीना झील भी कहा जाता है, यह नू में। चंदेली झील भी नू में, और यूनानी कॉलेज भी नू में ही खुलेगा दोस्तों। जो लोकेशन स्थिति है वह साउथर्न पार्ट, दक्षिणी पार्ट भाग में है हरियाणा के स्थित। इसकी स्थापना फॉर्मेशन 1 नवंबर 1989 को हुई थी। इस जिले का निर्माण महेंद्रगढ़ से अलग होकर के किया गया था। एरिया जो क्षेत्रफल है दोस्तों रेवाड़ी का, वह 1594 स्क्वेयर किलोमीटर है। डिवीज़न गुरुग्राम डिवीज़न में आता है। मंडल में पुलिस रेंज दोस्तों, रेवाड़ी खुद एक पुलिस रेंज है, साउथ पुलिस रेंज के नाम से जाना जाता है। साउथ पुलिस रेंज या फिर रेवाड़ी पुलिस रेंज, इसमें रेवाड़ी में 3 तहसील हैं दोस्तों, रेवाड़ी, कोसली व बावल। फेमस नेम व उपनाम है जो रेवाड़ी के, वो हैं वीर सिटी, पीतल नगरी, रेवाबाड़ी, अहिरवाल का लंदन। पीतल नगरी तो दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तन बनते हैं। रेवाबाड़ी, यहाँ रेवत राजा ने उनकी पुत्री रेवती के नाम पर रेवाबाड़ी नाम रखा था, जो कि रेवाड़ी हो गया। 1880 में पहली आर्य समाज की शाखा भी दोस्तों रेवाड़ी में शुरू हुई थी, और 1880 में ही पहली गौशाला खोली गई थी यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हरियाणा का पहला व सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन 1873 में बना, ये रेवाड़ी ही है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। पहली ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन भी भारत की रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली, जो 13 जनवरी 2015 को चली थी। हरियाणा का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी रेवाड़ी में ही दोस्तों। मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ में स्थित है, झाबुआ गांव जो कि रेवाड़ी में ही आता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, यह मीरपुर में स्थित है, जो 2013 में बनी थी दोस्तों। घंटेश्वर मंदिर, यह सबसे पुराना मंदिर है रेवाड़ी का। लाल मस्जिद, ये 1570 में अकबर ने बनवाई थी दोस्तों। इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद, ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने बनवाई थी, जो इनके कमांडर इब्राहिम बारह की याद में बनवाई गई थी। रामपुर महल, ये 1801 में इसका निर्माण राव तेज सिंह ने करवाया था। रानी की ड्योढ़ी 1675 में राव नंदराम सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बावल का किला बावल में स्थित है, इसके ऊपर गोलों का कोई प्रभाव नहीं होता। इस किले के ऊपर लैंड पाइपर पर्यटन स्थल भी रेवाड़ी में स्थित है दोस्तों। वॉर म्यूजियम जो कि युद्ध संग्रहालय कहलाता है, वह भी रेवाड़ी में ही है। राव तेज सिंह तालाब व बागवाला तालाब भी रेवाड़ी में ही दोस्तों। दोस्तों ये था रेवाड़ी जिले के बारे में। अब चलते हैं जिला पंचकूला के बारे में पढ़ते हैं। पंचकूला, पंचकूला की जो स्थिति है दोस्तों वह नॉर्दर्न पार्ट में है हरियाणा के, उत्तर भाग में हरियाणा के स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को अंबाला से अलग करके की गई थी दोस्तों। एरिया क्षेत्रफल जो है वो 898 स्क्वेयर किलोमीटर है दोस्तों। यह सबसे छोटा जिला नहीं है दोस्तों, सबसे छोटा एरिया के अकॉर्डिंग फरीदाबाद जिला है दोस्तों, लेकिन कई किताबों में दिया गया है कि पंचकूला सबसे छोटा जिला है। यह जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है दोस्तों। डिवीज़न मंडल जो डिवीज़न है वह अंबाला डिवीज़न के अंतर्गत आता है, और पंचकूला पुलिस कमिश्नरी है। तहसील पंचकूला में भी 3 है, पंचकूला, कालका व रायपुर रानी। इसके जो फेमस नाम है, ये पेरिस ऑफ हरियाणा कहलाता है दोस्तों।
अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये सबसे छोटा नगर निगम है दोस्तों। हरियाणा का सबसे कम विधानसभा क्षेत्र भी हरियाणा में इसी जिले में है। दो हैं जो कि पंचकुला व कालका है। मोरनी हिल्स पहाड़ों की रानी कहा जाता है मोरनी हिल्स को, और इसकी सबसे ऊंची चोटी करो है दोस्तों, जो 1514 मीटर ऊंची है। सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार भी यही है दोस्तों, रायपुर। जो रायपुर इसका कस्बा है उसको नैनो सिटी बोला जाता है। सबसे कम पक्की सड़कें भी पंचकुला में ही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पंचकुला में ही है। हरियाणा का अभिलेखागार भी पंचकुला में है दोस्तों। 1975 में हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का विभाजन यही किया गया था। एशियाज लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, वह भी पंचकुला में है दोस्तों। मनसा देवी मंदिर 1815 में महाराज गोपाल सिंह ने बनवाया था दोस्तों। काली माता का मंदिर कालका में स्थित है। भीमा देवी मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहा जाता है दोस्तों इसको। मांझी साहिब गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये भी पंचकुला में स्थित है। रामगढ़ का किला, रानीपुर का किला, ये सब पंचकुला में स्थित है दोस्तों। यादवेंद्र गार्डन जिसको मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, यह पिंजौर में, और इसको उत्तर भारत का नंदवन भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण फिदाई खान ने करवाया था, लेकिन इसको पटियाला के राजा यादवेंद्र सिंह की याद में यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है। आम का मेला यहीं लगता है, और बैसाखी के पर्व का मेला भी 2 दिन तक यहीं लगता है दोस्तों। वीर शिकार गए वन्य जीव अभ्यारण्य भी पंचकुला में, खोली राहतान वन्य जीव अभ्यारण्य भी पंचकुला में ही है दोस्तों। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। हरियाणा गिद्ध संरक्षण व गिद्ध पर रिसर्च करने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों। रेड जंगल फॉल प्रजनन केंद्र पिंजौर में ही है। ये जंगली मुर्गी भी बोला जाता है इसको, जंगली मुर्गी होती है रेड जंगल फॉल। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना भी पिंजौर में ही है दोस्तों। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी पिंजौर में ही है। फिनसेंट जो कि तितर कहलाता है, उसका प्रजनन केंद्र मोरनी में है। रेड बिशप प्रजनन केंद्र पंचकुला में है दोस्तों। पहला महिला थाना हरियाणा का वह पंचकुला में ही खोला गया था, जो कि 29 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और यह रक्षाबंधन के पर्व पर खोला गया था। तो दोस्तों ये था पंचकुला जिला दोस्तों। लोकेशन स्थिति, जो इसकी स्थिति है यमुनानगर की, वह हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है, नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों। ये फॉर्मेशन स्थापना, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी दोस्तों। इसको अम्बाला व कुरुक्षेत्र के भागों को अलग करके बनाया गया था। एरिया क्षेत्रफल जो यमुनानगर का है, वह 1756 किलोमीटर स्क्वेयर है दोस्तों। डिवीजन अम्बाला डिवीजन के अंतर्गत आता है यमुनानगर। वह पुलिस रेंज भी दोस्तों अम्बाला ही है। तहसील इसमें 4 हैं, जगाधरी, बिलासपुर, रादौर व छछरौली। जो मुख्य नदी है दोस्तों यमुनानगर की, वह यमुना नदी है। पुराना नाम है, फेमस नाम है, वह पेपर सिटी अब्दुल्लापुर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों यमुनानगर के बारे में। महाभारत की रचयिता वेदव्यास की तपोस्थली बिलासपुर है। हरियाणा की चिरापूंजी छछरौली है। छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों हरियाणा में। सरस्वती शुगर मिल जो 1933 में लाहौर में स्थापित हुई थी दोस्तों, वह यमुनानगर में ही है, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल भी है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क चूहपुर में है दोस्तों, इसको चौधरी देवीलाल नेचुरल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी यमुनानगर में ही है दोस्तों। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट भी यही है, और हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना भी यही हुई थी 1969 में। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप दोस्तों यहाँ 1933 में खुली थी, और ये एकमात्र वर्कशॉप है रेलवे की जहाँ शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है। गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति भी यमुनानगर से ही होती है दोस्तों। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना भी यही है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938 में स्थापित हुई थी दोस्तों, और ये मक्के का स्टार्च बनाने का काम करती है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट म्यूजियम ये कपाल मोचन गुरुद्वारा में स्थित है दोस्तों, और ये यमुनानगर में ही है। सबसे ज़्यादा गन्ना भी यमुनानगर में ही उत्पादित होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने का यमुनानगर में ही होता है दोस्तों। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स भी यही है, अथनी कुंड कॉम्प्लेक्स भी यही है, और हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स से कुछ ही दूरी पर साठदरी भी स्थित है दोस्तों। चनेटी स्तूप जगाधरी में, और ये इसका ह्यूएन सांग जो कि राजा हर्षवर्धन के समय पर आए थे, चीन यात्री थे, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है अपनी किताबों में। बीरबल का रंग महल भी दोस्तों यही है। बीरबल ने अपने लिए रंग महल का निर्माण करवाया था यहाँ।
ग्लेशियर नेशनल पार्क दोस्तों, यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क हरियाणा का। 2003 में ये नेशनल पार्क बना था और ये 11,570 एकड़ में बना हुआ है दोस्तों, स्थित है। भौंकने वाले हिरन सांबर चीतल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये ग्लेशियर नेशनल पार्क। हाथी पुनर्वास केंद्र भी बसंत और यमुनानगर में ये दोस्तों। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी यही है। ये यहाँ 350 वर्ष पुरानी मूर्ति है और ये मूर्ति एक किसान को हल चलाते हुए मिली थी दोस्तों। गोपाल मोचन मंदिर भी यही है। कपाल मोचन मंदिर भी बिलासपुर में है। बेलापुर पेपर मिल बिल्ट कंपनी जो है, जिसकी कॉपी रजिस्टर आते हैं दोस्तों, उसको 1929 में मैसेंजर पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड नाम से स्थापित किया गया था। जब आज़ादी के बाद इसका नाम बेलापुर पेपर मिल कर दिया गया दोस्तों। सूर्यकुंड भी बिलासपुर में है। श्रीकलेश्वर मंदिर चचरौली में स्थित है दोस्तों। आदि बद्री मंदिर को सरस्वती का आदि बद्री को सरस्वती का उद्गम स्थान भी माना जाता है दोस्तों। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, उसका उद्गम स्थान भी आदिबद्री को ही माना जाता है और इसी के समीप मंदिर है जिसको आदिबद्री मंदिर कहा जाता है। नर नारायण गुफा भी यमुनानगर में है दोस्तों। गुरुद्वारा कपाल मोचन दोस्तों, यह 1687 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ 52 दिनों तक का पड़ाव डाला था और यही उन्होंने अपने शस्त्रों को भी धोया था सरोवर में। कलसिया रियासत का किला दोस्तों, इसको रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। गोला बारूद उद्योग, कागज और प्लाईवुड उद्योग दोस्तों यमुनानगर में ही है। टिम्बर मार्केट आज़ादी से पहले दोस्तों टिम्बर मार्केट को अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, जो कि अब टिम्बर मार्केट के नाम से जाने जाते हैं। कड़ी योजना शिवालिक की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण की योजना को कड़ी योजना कहा जाता है दोस्तों, और ये यमुनानगर व कुरुक्षेत्र में चली हुई है, चलाई गई थी। दादूपुर नलवी नहर दोस्तों, दादूपुर नलवी नहर रत्नी कुंड कॉम्प्लेक्स के पास ही है। इसको बंद कर दिया गया 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। जगाधरी का प्राचीन नाम दोस्तों युगांधरी है। बिलासपुर का प्राचीन नाम व्यासपुर था दोस्तों, और यह महर्षि वेदव्यास के कारण था जो महाभारत के रचयिता। ये था दोस्तों यमुनानगर जिला। अब देखते हैं दोस्तों कैथल जिले के बारे में। लोकेशन स्थिति, जो कैथल जिले की स्थिति है वह मध्य उत्तर में स्थित हरियाणा के मिडल नॉर्थ में यह स्थित है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी वह इसकी स्थापना भी यमुनानगर जिले के साथ हुई थी 1 नवंबर 1989 को, और यह कुरुक्षेत्र से लगकर के बनाया गया था दोस्तों। इसका एरिया क्षेत्रफल है वह 2317 किलोमीटर स्केयर है दोस्तों। डिवीजन करनाल डिवीजन है। तहसील इसमें 5 है दोस्तों, कैथल कलायत पुंडरी गुला व फतेहपुर। फेमस वह उपनाम है दोस्तों कपिल नगरी, हरियाणा की छोटी काशी, गुरुद्वारों का नगर। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। रजिया सुल्ताना का मकबरा यही है। इसको इस इन रजिया सुल्ताना भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों, और इनकी मृत्यु 13 नवंबर 1240 को हुई थी। 11 रुद्री शिव मंदिर भी दोस्तों कैथल में। इस मंदिर में अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था दोस्तों, और वर्तमान भवन का निर्माण 250 साल पहले उदय सिंह राजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। और राजा उदय सिंह कलायत के आखिरी राजा, कैथल रियासत के आखिरी राजा थे दोस्तों। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ के शिवलिंग को पतालेश्वर व शिवलिंगी भी कहा जाता है दोस्तों। कपिल मुनि मंदिर कलायत में है। महर्षि कपिल भूमि की कपिल की साधना भूमि है दोस्तों कलायत। पुंडरिक सरोवर, पुंडरी मान्यता के सतयुग से अब तक जल कभी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों इस सरोवर का। पुराना शिव मंदिर पुंडरी में है। पुराना शिव पार्वती मंदिर पुंडरी में दोस्तों। प्राचीन ईंटों का मंदिर कैथल में है। नवगुरु कुंड भी दोस्तों कैथल में ही, और इसका निर्माण श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने हाथों से किया था, और 9 कुंडों का निर्माण यहाँ किया था। इसी के कारण इसको छोटी काशी भी कहा जाता है दोस्तों। लवकुश तीर्थ भी यहीं स्थित है। फल्गु तीर्थ कैथल के फरल गांव में है दोस्तों, यहाँ और यहाँ अश्विनी माह की अमावस्या को मेला लगता है। गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा टोपियां वाला, ये दोनों गुरुद्वारे कैथल में ही। और गुरुद्वारा नईम साहिब, 9वें गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे दोस्तों अपने सह परिवार के साथ, और इन्होंने यहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके बीमारों का उपचार किया था, तो इसी वजह से इसका नाम गुरुद्वारा नीम साहिब पड़ गया दोस्तों। बाबा शाह कमाल की मजार भी कैथल में ही है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य सोनेसर जंगल के नाम से भी जिसको जाना जाता है दोस्तों, इसको 1988 में मान्यता मिली थी अभ्यारण्य के रूप में। ये 4400 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों। तो ये थी कैथल जिले के बारे में आज हमने देखा दोस्तों, आज हमने देखा दोस्तों। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम पढ़ेंगे झज्जर जिले के बारे में। झज्जर
इसकी जो स्थिति है दोस्तों, लोकेशन ये साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्वी भाग में हरियाणा के। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी, 15 जुलाई 1997 को, और इसको रोहतक जिले से अलग करके बनाया गया था दोस्तों। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वह 1834 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका डिवीज़न मंडल या रोहतक डिवीज़न के अंतर्गत आता है। पुलिस रेंज भी रोहतक ही है दोस्तों। तहसील झज्जर में चार हैं, झज्जर, बादली, बेरी व बहादुरगढ़। और इसके जो फॉर्मर नाम है, उपनाम है, वह छज्जू नगर, शहीदों का नगर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों झज्जर के बारे में। वह मोहम्मद गोरी ने झाजू अहलावत के अनुरोध पर बसाया था इसको। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है झज्जर की, और झज्जरी जो कि सुराही होती है उसके लिए झज्जर प्रसिद्ध है। सनातन धर्म की पहली शाखा हरियाणा में दोस्तों यहीं लगी थी, और ये 1886 में शुरू हुई थी। पहला समाचार पत्र दीनदयाल शर्मा ने निकाला था दोस्तों, जिसका नाम था हरियाणा। और ये सनातन धर्म के प्रचारक भी थे दीनदयाल शर्मा जी। पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी दोस्तों झज्जर के झाजगढ़ गांव में ही लगता है। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र भी बहादुरगढ़ में ही है। बेरी को मंदिरों का नगर बोला जाता है दोस्तों। और जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वह पंडित भगवत दयाल शर्मा, वह भी झज्जर के बेरी से ही संबंधित थे। बस्तीराम ये आर्य समाज के प्रचारक थे, और ये बेरी खेड़ी सुल्तान गांव के थे झज्जर से। छुड़ानी धाम में बाबा गरीबदास का मेला लगता है, और बाबा गरीबदास का जन्म भी छुड़ानी गांव में ही हुआ था, और इनका जन्म 1717 में हुआ था। रुडमल मंदिर बेरी में है दोस्तों, भीमेश्वरी देवी मंदिर भी बेरी में है। बुआ का तालाब, ये 300 साल पुराना तालाब है, और ये प्रेमियों के मिलने व अलग होने का गवाह माना जाता है इसको। नेशनल हार्ट रिसर्च सेंटर हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान ये भी झज्जर में ही दोस्तों। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य व खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों भी झज्जर में ही। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य 1074 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको 3 जून 2009 को इसकी स्थापना, इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य 204 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको 1991 में अभयारण्य का दर्जा मिला था। मानुषी छिल्लर जो कि 2017 की मिस वर्ल्ड है दोस्तों, वह बाबडोली इससे संबंधित है, जो कि झज्जर जिले का गांव है। दलबीर सुहाग, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, भी झज्जर से ही संबंधित है। जगत जाखड़ जो कि हरियाणवी सुपरहिट फिल्म चंद्रावल के अभिनेता थे, वह सुंदरेती गांव झज्जर से ही संबंधित हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं पानीपत जिले के बारे में। पानीपत की स्थिति दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में हरियाणा की स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी दोस्तों। एक करनाल से अलग करके बनाया गया था। वह 24 जुलाई 1991 को दोस्तों फिर से इसको करनाल में मिला दिया गया था। वह तीसरी बार फिर 1 जनवरी 1992 को इसको अलग जिला बना दिया गया दोस्तों। यह एकमात्र जिला है जो पहले बना, फिर इसका विलय हुआ करनाल में, और फिर से ये बनाया गया। एरिया जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, वह 1268 स्क्वायर किलोमीटर है। डिवीजन करनाल डिवीजन के अंतर्गत आता है। पुलिस रेंज भी करनाल ही है दोस्तों। तहसील पांच है पानीपत में, पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली, मडलोडा। जो इसके उपनाम है दोस्तों, या फेमस नाम है पानीपत के, में पानप्रस्थ, पनपथ, बुनकरों की नगरी, पेट्रोकेमिकल हब। दोस्तों अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पानीपत के 75% जो सेना के कंबल हैं दोस्तों, वे पानीपत में ही बनते हैं, वे पानीपत ही इसकी आपूर्ति करता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना दोस्तों पानीपत में ही है। पानीपत रिफाइनरी इसको 1980 में बाहुली गांव में स्थापित किया गया था, जो उस समय में करनाल जिले में था, और अभी ये पानीपत जिले में। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कारखाना है दोस्तों। पानीपत ऊन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। देवी तालाब का शिव मंदिर मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद बनवाया था दोस्तों। शिद शिव शनि धाम पानीपत, इसे दादा पोता मंदिर भी कहा जाता है, और यहाँ आरती व नमाज एक साथ होती है। एक साइड पर तो हिंदू आरती करते हैं, वह दूसरी साइड पर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं। दिगंबर जैन मंदिर भी पानीपत में ही है। पानीपत में तीन युद्ध हुए दोस्तों। प्रथम युद्ध भी, पहला जो युद्ध हुआ है 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी बाबर के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था, बाबर विजयी हुआ था, और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और इब्राहिम लोधी का मकबरा भी पानीपत में ही है। जो दूसरा युद्ध हुआ वह 15 नवंबर 1556 को हुआ, वो अकबर और रेवाड़ी के शासक हेमू के बीच हुआ था दोस्तों। यहाँ अकबर की को जीत हासिल हुई थी, और हेमू मारा गया था। हेमू का मकबरा भी यही है पानीपत में ही। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानी था, अफगानी
बादशाह था और मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। काबुली बाग, दोस्तों काबुली बाग भी पानीपत में ही, और बाबर ने अपनी बेगम मुसम्मत काबुली बेगम की याद में निर्माण करवाया था। इस बाग में मस्जिद भी है, जिसे काबुली बाग मस्जिद कहा जाता है। समालखा हरियाणा का मिनी औद्योगिक क्षेत्र भी पानीपत में ही है। कोस मीनार शेरशाह सूरी ने जीटी रोड पर निर्माण जीटी रोड का निर्माण करवाया था। वह प्रत्येक कोस पर एक मीनार खड़ी करवाई थी। हरियाणा में 88 कोस मीनारे हैं दोस्तों। आध्यात्मिक संग्रहालय भी पानीपत में ही है। बुअली शाह दरगाह, कबीर उल औलिया, हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, शेख अनामुल्ला दरगाह, मुकरब खान का मकबरा, ये सब पानीपत में ही है। मुकरब खान का मकबरा ये शेख हसन जागीर के समय के प्रसिद्ध हकीम थे दोस्तों। इनका जो असली नाम था वह शेख हसन था, वह ये जागीर के समय के प्रसिद्ध हकीम थे। सलार फखरुद्दीन व हाफिज जमाल का मकबरा, यह मकबरा बुअली शाह कलंदर के माता पिता का है दोस्तों। स्काईलार्क टूरिस्ट प्लेस यही है। ब्लू जे टूरिस्ट प्लेस भी पानीपत में ही है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट जो ये आसन खुर्द में है दोस्तों, को देखते हैं जो करनाल की स्थिति है दोस्तों, वह मध्य पूर्व में स्थित है, हरियाणा के मध्य पूर्व भाग में, और इसकी स्थापना हरियाणा के गठन के समय ही हो गई थी, 1 नवंबर 1966 को। इसका एरिया क्षेत्रफल है वह 2520 स्क्वेयर किलोमीटर है दोस्तों। करनाल जो डिवीज़न है करनाल का, वह करनाल डिवीज़न में ही आता है, और पुलिस रेंज भी इसकी करनाल ही है। 5 तहसील हैं दोस्तों करनाल के अंदर, करनाल, इंद्री, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी। फेमस नाम है, उपनाम है करण नगरी, हरियाणा का पेरिस, शूज सिटी, दान का कटोरा व एग्रो हब। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों करनाल के बारे में। हरियाणा का नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर है दोस्तों करनाल। हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी भी घरौंडा में खुली थी। जो पहला सैनिक स्कूल था हरियाणा का, वह भी करनाल जिले के कुंजपुरा गांव में खुला था 3 जुलाई 1961 को, और यह भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था। करण तालाब करनाल में ये दोस्तों, इसको सूर्यपुत्र राजा करण के नाम पर है ये करण तालाब। करण का किला, करण झील, ये सब करनाल में ही हैं। पराशर ऋषि आश्रम में, पराशर धाम बहलोलपुर गांव में है, ये महर्षि वेदव्यास के पिता का आश्रम है दोस्तों। वेदव्यास की तपोभूमि वस्थली, यही महाभारत की रचना की गई थी दोस्तों। गौतम ऋषि आश्रम गोंदर में है। निर्मल कुटिया करनाल में स्थित है। सीता माई, सीतागढ़ का मंदिर, मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सीता जमीन के अंदर समाई थी। सेंट जेम्स चर्च टावर, सेंट जेम्स ने 1806 में इसका निर्माण करवाया था, और इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। बुअली शाह कलंदर का मकबरा ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, और करनाल में स्थित है। मीरा साहिब का मकबरा, कलंदर शाह दरगाह, माजी साहिब गुरुद्वारा, ये सब करनाल में स्थित है दोस्तों। करनाल में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना 1969 1969 में हुई थी दोस्तों करनाल के अंदर। गेहूं शोध निदेशालय, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में बेंगलोर में हुई थी, और इसको 1985 में करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1923 में दोस्तों इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के नाम पर हुई थी, बेंगलोर में हुई थी, और 1936 में इसका नाम बदल करके इंपीरियल डेयरी कर दिया गया था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करके इसका नाम इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र दोस्तों 1955 में स्थापित हुआ था करनाल में ही। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये नीलोखेड़ी में स्थित है दोस्तों, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था, और इसके नीलोखेड़ी में ही है ये, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, गांधी मेमोरियल हॉल, माता प्रकाश कौर मूक बधिर एवं वाणी विकलांगता केंद्र, यह सब करनाल में ही स्थित है दोस्तों। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसकी जो फाउंडेशन दोस्तों 6 अप्रैल 2016 को हुई करनाल में। और लिबर्टी शू फैक्ट्री भी दोस्तों
करनाल में ही है, और इसी के लिबर्टी शू फैक्ट्री की वजह से ही शू सिटी भी बोला जाता है करनाल को। अब देखते हैं रोहतक के बारे में दोस्तों। रोहतक की जो स्थिति है वह हरियाणा के मध्य में स्थित है, मिडल में स्थित है हरियाणा के, और इसकी स्थापना भी हरियाणा के गठन के समय ही हो गई थी, 1 नवंबर 1966 को। जो इसका क्षेत्रफल है वह 1754 स्क्वेयर किलोमीटर है दोस्तों। एरिया डिवीज़न और पुलिस रेंज रोहतक ही है, और रोहतक डिवीज़न दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीज़न भी है। रोहतक जिले में 4 तहसील आती हैं दोस्तों, रोहतक, सांपला, क्लानोर और महम। जो इसके उपनाम फेमस नाम है वह एजुकेशन हब, रोहतास नगर, राजनीतिक राजधानी और सेंटर ऑफ हरियाणा। जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। शोरी मार्केट, शोरी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, ये रोहतक में स्थित है दोस्तों। और 1887 में कांग्रेस की शाखा यहाँ स्थापित कर दी गई थी, और पहली जनसभा जो कांग्रेस की हुई थी वह 12 अक्टूबर 1887 को हुई थी रोहतक में ही। राजा रोहताश ने रोहतक को बसाया था दोस्तों। नकुल दिग्विजयम जो महाभारत में है उसमें रोहतक शहर का वर्णन आता है। भारतीय सीमा आयोग जो फजल अली कमीशन था, सबसे पहला सीमा आयोग था, 1953 में बना था दोस्तों। और यह सबसे पहले हरियाणा पंजाब के विभाजन के लिए 1955 में रोहतक में ही आया था। दिनी मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया था दोस्तों, और इसको 1947 में वापस मंदिर बना दिया गया। लाल मस्जिद इसको 1939 में हाजी आशिक अली ने बनवाया था। यहीं पर वैद्य लेखराम जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बम बनाना सिखाया था दोस्तों, लाल मस्जिद के अंदर ही। शीशे वाली मस्जिद और काजी की मस्जिद यह भी रोहतक में स्थित है। महम की बावड़ी, महम की बावड़ी को दोस्तों जानी चोर की सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ये जानी चोर की सुरंग के नाम से फेमस है। और 1638 में सुद्धोकलाल, साजा काल में सुद्धोकलाल ने इसका निर्माण करवाया था। गौकर्ण तालाब रोहतक में है। तिलियार झील डिगल गांव का शिवालय डिगल गांव में है। गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये गुरुद्वारा लाखन माजरा दोस्तों रोहतक के लाखन माजरा गांव में है, और यहाँ गुरु तेग बहादुर शहीदी देने जाते हुए दिल्ली जाते समय 13 दिन तक यहीं रुके थे। अस्थल भोर का मठ, इसकी स्थापना श्री चौरंगीनाथ ने की थी दोस्तों, और बाबा मस्तनाथ ने इसका नवीकरण करवाया था। गुरुद्वारा बंगला साहिब भी रोहतक में। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस दोस्तों, इसका निर्माण 1960 में हुआ था। और जो इसके पहले वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर सुखबीर सिंह सांगवान थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों रोहतक में, IIM, एकमात्र हरियाणा का। MDU, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1976 को की गई थी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की। और इसके जो पहले VC थे वह डॉक्टर ML बत्रा थे। राजीव गांधी खेल परिसर, नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, नेशनल हॉकी एकेडमी, ये सब MDU के अंदर ही स्थित हैं। हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी रोहतक से गोहाना रेलवे मार्ग पर बना गया दोस्तों। जिला हिसार दोस्तों, इसकी स्थिति हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है। ये लोकेशन वेस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा। फॉर्मेशन, स्थापना इसकी हरियाणा के गठन के समय ही हो गई थी, 1 नवंबर 1966 को। और ये हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। क्षेत्रफल हिसार का 3983 स्क्वेयर किलोमीटर है। डिवीज़न और पुलिस रेंज हिसार के अंतर्गत ही आता है हिसार डिस्ट्रिक्ट। तहसील 6 हैं हिसार में, हांसी, हिसार, नारनौंद, बरवाला, आदमपुर व बास। फेमस नाम है, उपनाम है मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, हिसार है फिरोजा इस्पात नगरी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। हिसार के सबसे ज़्यादा विधानसभा हिसार में ही, हरियाणा के अंदर 7 विधानसभा हैं हिसार जिले के अंदर। हांसी हरियाणा का पहला पुलिस जिला बना, केवल पुलिस जिला हरियाणा में। 2 केवल पुलिस जिले हैं, एक हांसी हो गया, दूसरा मानेसर। एक पर्यावरण न्यायालय भी है हिसार के अंदर, कुल 2 पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में, एक हिसार में व दूसरा फरीदाबाद में। हिसार कैंट, हिसार कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 को की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार की स्थापना की थी, हिसार नगर को बसाया था। 1887 में कांग्रेस की पहली शाखा, और 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें हिसार की जो हिसार का प्रतिनिधित्व किया था वह लाला लाजपत राय ने किया था। 1886 में लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी हिसार के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म, एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी। दूरदर्शन केंद्र दोस्तों, एकमात्र हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर स्थित है। इसका जो उद्घाटन हुआ 1 नवंबर 2002 को श्रीमती, जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी जिनका भी देहांत हुआ, श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसकी अध्यक्षता की थी हरियाणा के उस समय के चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने।
आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 को खुला हरियाणा में हिसार में। देवी भवन मंदिर 1770 में इसकी स्थापना की गई और संगम स्थली भी कहा जाता है इसको। लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। लाट बाग क्रांतिमान पार्क के नाम से इस बाग को जाना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान हिसार के कलेक्टर जॉन रेडबर्न की हत्या कर दी गई थी और उसकी याद में इसे स्मारक के तौर पर विकसित किया गया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को की गई थी। राष्ट्रीय अश्वशोध केंद्र नेशनल रिसर्च ऑन इक्विनीज इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को की गई थी। राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म इसकी स्थापना 1968 से 1970 के बीच में की गई थी। राष्ट्रीय सुअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में स्थित है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस जिसको लुआस के नाम से भी जाना जाता है इसको HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अलग करके 1 दिसंबर 2010 को स्थापित किया गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 नवंबर 1995 को इसका उद्घाटन किया गया था और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 20 अक्टूबर 1995 को हो गई थी। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में बनवाया था। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भी हिसार में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च जॉर्ज कोठी शेख जुनेद की मजार प्राणपीर बादशाह का मकबरा ये सब हिसार में स्थित हैं। प्राणपीर बादशाह का मकबरा पीर शेर बहलोल जिनका असली नाम था उनको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह भारत के सुल्तान बनेंगे और दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। बाबा लालदास का डेरा हिसार के डाटा गांव में स्थित है। दोस्तों बाबा लालदास के डेरे के पास एक बहुत ही प्राचीन गौशाला भी है जिसका निर्माण 1901 में हुआ था। बनभौरी माता का मंदिर ये बनभौरी गांव में स्थित है। बाबा शिलनाथ का डेरा सुल्तानपुर में स्थित है। हिसार के 4 किले या गेट हैं दोस्तों, लाहौर दिल्ली का किला, मोरी का किला, तलाकी का किला, नागौरी का किला। अग्रोहा 3000 साल पहले महाराजा अग्रसेन के राज्य अग्रगेन की राजधानी था। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी अग्रोहा में स्थित है। हांसी पूर्व नाम असिका था। हांसी का पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई द्वारा लिखित में भी हांसी का वर्णन है। 5 मुख्य द्वार हांसी के दिल्ली गेट, बड़सी गेट, उमरा गेट, हिसार गेट व सिसाई गेट। राखी गड्ढी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसको मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा स्थल माना गया है। सीसवाल चेतांग नहर पर बसा है। 1968 में डॉक्टर सूरज भान ने इसकी खुदाई करवाई थी और सबसे प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिले थे। सीसवाल संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। जिला कुरुक्षेत्र की जो स्थिति है दोस्तों वह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। फॉर्मेशन इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को करनाल जिले से अलग करके की गई थी और इसका क्षेत्रफल 1530 किलोमीटर है। डिवीजन मंडल अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता है। कुरुक्षेत्र और पुलिस रेंज भी अम्बाला ही है। तहसील इसमें 4 हैं, थानेसर, पेवा, शाहबाद और लाडवा। फेमस नाम उपनाम है धर्मनगरी, श्रीकंठ जनपद, सिटी ऑफ पार्क्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। प्रथम तीर्थ स्थल तीर्थराज जिसको जाना जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा। हरियाणा के सबसे अधिक पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में ही। आकाशवाणी केंद्र पहला आकाशवाणी केंद्र था ये हरियाणा का और इसकी स्थापना 24 जून 1991 को की गई थी। थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था। थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध लगभग 900 से 950 ईसा पूर्व लड़ा गया था और यह 18 दिनों तक चला था। भगवत गीता 18 अध्याय थे, इसमें 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक श्री कृष्ण जी ने कहे, 85 श्लोक अर्जुन जी ने और 40 संजय ने व 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। यह सब गीता के अंदर उपस्थित हैं। धार्मिक स्थल कुबेर तीर्थ, प्राची तीर्थ, सन्नीत तीर्थ भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। सनी तीर्थ को कमलनाथ तीर्थ, ब्रह्मा जी का प्रकट स्थान माना जाता है। नरकतारी अनकर्क तीर्थ, इसको बाण गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ अर्जुन ने बाण तीर चला करके गंगा निकाली थी और उससे सिया पर लेटे उनके गुरु की प्यास बुझाई थी। कालेश्वर तीर्थ 11 रुद्रों में से एक है। रावण ने स्थापना की थी। प्राचीन शिव मंदिर है। ददीची ऋषि आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भजनेश्वर मंदिर, प्राचीन तीर्थ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, मर्कंडेश्वर तीर्थ, आपका मंदिर, भगवत गीता मंदिर, बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये सब क्षेत्र में ही स्थित हैं दोस्तों।
विशिष्ट ऋषि का आश्रम ये याति ऋषि का आश्रम, ये दोनों कुरुक्षेत्र के पेवा में स्थित हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर यथानेश्वर में स्थित राजा पुष्यभूति, जो कि हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के पूर्वज थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहीं पांडवों ने पूजा की थी व युद्ध में विजय प्राप्ति का वरदान हासिल किया था। इसका पूर्ण निर्माण मराठा सरदार सदाशिव भाऊ ने करवाया था। देवी कूप मंदिर, भद्रकाली मंदिर भी इसको बोला जाता है। माता सती का दया टखना है क्या, उन शक्ति पीठों में से एक है। सोने चांदी के घोड़े चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है। यहाँ देवी तालाब जहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन संस्कार हुआ था। ज्योतिसर सरोवर, यहीं बरगद के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पेड़ यह बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है। महाराजा दरभंगा ने 1924 में पेड़ के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया। ब्रह्मा सरोवर, इसका निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। सूर्य ग्रहण के समय लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। किताब उल हिंद, जो कि अलबरूनी ने लिखी थी, इसमें भी इसका वर्णन है। सरस्वती तीर्थ पेवा के अंदर स्थित है। यहाँ श्राद्ध एवं पिंडदान किया जाता है। चंद्रगुप्त प्रत्यक्ष तीर्थ पेवा महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे स्थित सभी तीर्थों में सर्वोप्रिय है। ये इसका सबसे उच्चतम स्थान है। इसे हरियाणा का गया भी कहा जाता है। बाणगंगा, नर कतारी तीर्थ व अनकर्क तीर्थ भी इसको बोला जाता है। भीष्म कुंड भी कहा जाता है। यहीं अर्जुन ने बाण मार करके गंगा निकाली थी और उसकी धारा से शेर सैया पर लेटे भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। कमोदा वन, पांडवों ने इसी वन में निवास किया था। यहीं पर कामेश्वर महादेव का ईंटों का मंदिर है, बिड़ला मंदिर। इस मंदिर में गीता के सभी 18 अध्याय को मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया। इसे 1955 में जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया था और बिड़ला मंदिर को ही भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गीता भवन 1921 में इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की गई थी। शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल भी इसको दोस्तों बोला जाता है। पुरातत्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। इसको शेख चिल्ली सांझा के धर्मगुरु थे। गुरुद्वारे जो कुरुक्षेत्र में स्थित हैं वह हैं गुरुद्वारा पहली पातशाही, ये गुरु नानक देव जी के कुरुक्षेत्र आगमन की याद में है। गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, गुरुद्वारा दसवीं पातशाही। 1704 में सूर्य ग्रहण के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह कुरुक्षेत्र आए थे, उनकी याद में है वह राजघाट गुरुद्वारा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दोस्तों हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। इसका उद्घाटन, इसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और ये हरियाणा की पहली विश्वविद्यालय। पर्यटन विभाग जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का देश का एकमात्र पर्यटन विभाग है जो NICTI से मान्यता प्राप्त है। कलानिधि पत्रिका और रिसर्च जर्नल पत्रिका, कलानिधि पत्रिका 1965 से प्रकाशित हो रही है इसमें लगातार, रिसर्च जर्नल पत्रिका 1967 से प्रकाशन हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भारत में 20 है, उनमें से एक ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। 26 जून 2002 को इसको NIT का दर्जा दे दिया गया था। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय यहीं पर खोला जाएगा। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सेंधा गांव में है कुरुक्षेत्र के, और यह 8 एकड़ में फैला हुआ है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र जिसको काला हिरण भी बोला जाता है, यह भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स विद योर ओन चैनल एम हाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और जो हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।